टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट कैपेसिटी सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब हीट कैपेसिटी है सी, उसको हम डिनोट करेंगे सीवी से. ठीक है, सबस्क्रिप्ट में वी फॉर्म में बताएंगे सीवी करके. एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तब हम उसको सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू. वी कैन राइट इक्वेशन फॉर हीट क्यू इज क्यू का इक्वेशन हम लिख सकते हैं. ठीक है, क्यू का इक्वेशन अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो उसका इक्वेशन रहेगा सीवी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू कर सकते हैं. ठीक है, और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तब क्यूपी इज इक्वल टू सीवी इंटू डेल्टा टी कर सकते हैं. ठीक है, ये ओनली कॉन्स्टेंट जो टर्म है प्रेशर वाला, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा है तो आपको सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है पी, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रखा है तो सबस्क्रिप्ट में वी लिखना है. द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी कैन बी डिराइव फॉर एन आइडियल गैस, उसको आइडियल गैस के लिए हम डिराइव कर सकते हैं. फॉर ए मोल ऑफ ए आइडियल गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये इक्वेशन हमें पता है. ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमने आगे देख लिया है. डेल्टा में डेल्टा आगे रखा था कब, तो जब दोनों वेरिएबल था तब. ठीक है, पर अगर p कांस्टेंट था तो हम p को बाहर निकालते थे, या तो v कांस्टेंट है तो v को बाहर निकाल कर p वेरिएबल है तो p के अगर आगे डेल्टा लगाते थे. ठीक है, पर p भी इज इक्वल टू एन आर टी, हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है. ठीक है, और मोल ऑफ है, मोल के बारे में आपको बताया है, धार्मिक आ जाया धार्मिक धार्मिक कैमरा ऑन करो बेटा धार्मिक कैमरा ऑन करो सब कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन सबका कैमरा ऑन. धार्मिक तुम कैमरा ऑन करो बेटा. धार्मिक आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है तुम्हें धार्मिक? यस मैडम आ रही है. ओके, नेटवर्क का इशू सॉल्व हो गया बेटा तेरा? हाँ मैम. नहीं मैम, वो मैं बाहर आए इसलिए. अच्छा, ओके ओके, चलो गुड. ओहो धार्मिक, ओके चलो ध्यान देना. ठीक है, धार्मिक को बाहर अटेंड कर पाया तो अच्छी बात है. तो धार्मिक तुम जहाँ पर नेटवर्क है थोड़े टाइम वहां पर जा सकते हो, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट चल रहा है, मींस चैप्टर इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ऑडियो ऑफ कर दो अपना. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमारे पास एक फॉर्मूला है. और आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए कंडीशन क्या रखते हैं, वन मोल वाली. ठीक है, तो वन लेते हैं तो एन लिखने की जरूरत नहीं है. एन इज इक्वल टू वन लेते हैं तो यहाँ पर वन बताए या ना बताए कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो RT ऐसे ही लिख दिया है, QRT लिखा है क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है आइडियल गैस वाला, PV इज इक्वल टू NRT. तो PV की जगह ये NRT की वैल्यू रखी है, NRT रखा है, पर N इज इक्वल टू आइडियल गैस के लिए हम क्या लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं. और R है वो कांस्टेंट है, R को बाहर निकाल दो. ठीक है, और डेल्टा है वो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स टेम्परेचर है वो वेरिएबल होगा, इसलिए डेल्टा है वो वहां पर लगा दिया है. अब हमारे पास ये नया इक्वेशन मिल गया डेल्टा एच का, क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी. तो डेल्टा एच की और डेल्टा यू की हमारे पास फॉर्मूला है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, सीपी इंटू डेल्टा टी, जैसे हमने आगे देखा. और डेल्टा एच क्यू लिया है क्योंकि अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हो तब जो एनर्जी, जो एनर्जी में चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज. और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तब जो एनर्जी में चेंज आता है तो उसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, थीके? तो ये दोनों हमने आगे देख लिया कि कांस्टेंट प्रेशर रखोगे तब डेल्टा एच
सीपी इंटू डेल्टा टी आप लिख सकते हो और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रखते हो तब सीवी इंटू डेल्टा टी यानी कि डेल्टा यू की जगह आप ये फॉर्मूला भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी का ये सीपी आर इंटू डेल्टा टी, तो इसमें से डेल्टा टी है सारा टर्म आप देख रहे हो कि सब में ये डेल्टा टी है। डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म है उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, ठीक है। डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सीपी माइनस सीवी, ये सीवी टर्म है प्लस फॉर्म में है, उसको सामने यहां पर भेजोगे क्या मिलेगा आपको, सीपी माइनस सीवी, ठीक है। प्लस है तो सामने जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो इतनी सिंपल फॉर्मूला है जो आपको इवेल्युएट करनी है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यस हाँ मैम बोलो। तो मैम N2 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, N2 गैस के लिए सीपी माइनस सीवी, उसके लिए क्या वैल्यू, नाइट्रोजन के लिए वैल्यू क्या होगी, ओके और स्मॉल n की वैल्यू पूछ रहे हो किसकी वैल्यू, तो N2 के लिए सीपी माइनस सीवी, नाइट्रोजन गैस के लिए सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या होगी, ये सब पूछ रहे हो। हाँ ओके आर इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए क्या होगी, कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास और कि डायरेक्ट ये वैल्यू आप पूछ रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पर कोई इंफॉर्मेशन तो होगी और इसके साथ, मैम कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है कि नीट में आया हुआ है। यस सीपी माइनस सीवी की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए क्या रहेगी, ठीक है। आगे सम देखा है दिया है तो देख लेते हैं उसके बारे में कि नाइट्रोजन के लिए क्या है, ठीक है। आगे आई थिंक नहीं दिया है इसके बारे में, तो मैं भी हमारा वो जो टेम्पलेट मैंने दिया है पीडीएफ का उसमें भी दिया होगा, तो इस टाइप के सम हम देखेंगे। देखो ये देवे ने याद करवाया है, अच्छी बात है कि स्पेसिफिक गैस है उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी सीपी माइनस सीवी की, कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर ये हम करेंगे, ठीक है। सीपी माइनस सीवी वाला सम है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, अभी आप करवाओ ना मैम सीपी माइनस सीवी वाला। नहीं हाँ वो आईआईटी के सब जेडब्ल्यू साथ में टॉपिक के साथ करवाओ ना मैम, फिर बाद में देवेन बेटा ये टॉपिक एक ओनली ये टॉपिक सीख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, उसके बाद हम सारे टॉपिक जितने करवाए हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हमें करवाने हैं। जैसे हमने पहले से देखा ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है, ठीक है, पहले से सारे क्वेश्चन, जैसे तू बोला कि ये मैडम नाइट्रोजन के लिए सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी सम सारे एक बनाकर उसमें रखकर बाद में सॉल्व आउट करवाएंगे, ठीक है। ये एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं, बाद में ये टॉपिक भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे के रिलेटेड है और बाद में सारे ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में टेंशन मत लो, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी धीरज रखो, क्या बोला है इसमें, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, डेल्टा यू और डेल्टा एच का मेजरमेंट करना है और एक कैलोरीमेट्री, ठीक है, ये टॉपिक है। वी कैन मेजर एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद केमिकल और फिजिकल प्रोसेस बाय एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कॉल कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री है, किसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री, तो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एनर्जी चेंज है वो मेजर करते हैं किसके बीच में, तो केमिकल या तो फिजिकल प्रोसेस वाला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें मेजरमेंट करते हैं एनर्जी चेंज वाला, वो है कैलोरीमेट्री, ठीक है। वो सारा एक्सपेरिमेंट जैसे हम क्या बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी में कोई मटेरियल है उसको हमें सेपरेट करना है, कोई मटेरियल है उसको एनालाइज करना है, सेपरेट करना है, इसलिए क्रोमेटोग्राफी वर्ड यूज करा है। सेम यहाँ पर कैलोरीमेट्री दिया है जिसमें केमिकल चेंज का मेजरमेंट करा जाता है, या तो फिजिकल प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस आता है, एनर्जी का क्या चेंजेस आता है वो मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री,
इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल कॉल्ड कैलोरीमेट्री कॉल्ड कैलोरीमीटर विच इज इम्बर्स्ड इन नॉन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड अंदर जिसमें जो यूटेंसिल जिसमें हमने भरा है हमारी सिस्टम मीन्स कोई लिक्विड या तो रिएक्शन मास ठीक है जिस वेसल में फिल करा है उसको कैलोरी मीटर बोलेंगे और विच इज इमर्स्ड इज इन ए नॉन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम से हम उसको उसमें फिल करेंगे नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच कैलोरी मीटर इज इमर्स्ड एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर इट इज possible to determine the heat evolved in the process by measuring temperature change. अब इसमें liquid fill कर दिया कोई specific volume वाला ठीक है मान लो 50 ml volume आपने fill करा है और वो भी water ले लिया ठीक है और उसके बाद उसकी heat capacity liquid की heat capacity कितनी है in which calorimeter is immersed means जिसमें calorimeter है वो immersed करा है पूरा ये utensil आप देख सकते हो कि किस तरह से अरेंजमेंट करी है यूटेंसिल कहाँ पर है ये पीच वाला पार्ट है ये कैलोरीमीटर है और इसमें वॉल्यूम फिल करा है ठीक है वॉल्यूम मीन्स कोई भी लिक्विड लिया है मान लो कि हम इसमें वाटर लेते हैं और ये एकदम पैक मटेरियल है पैक यूटेंसिल है यहाँ पर और बाद में यहाँ पर एटमोस्फियर दिया है ऑक्सीजन का और वो क्यों रखा है वो सारा डेटा इंफॉर्मेशन आपको दिया है ठीक है तो वो वन बाय वन स्टेप वाइज हम देखते हैं मेजरमेंट आर मेड अंडर टू डिफरेंट कंडीशन फर्स्ट दिया है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और सेकेंड दिया है कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखकर मेजरमेंट करना है क्या मेजरमेंट करना है तो एनर्जी डिफरेंस क्या है ठीक है वो हमें जानना है और अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हो तो एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है ठीक है फॉर ए करके आपको दिया है डेल्टा यू मेजरमेंट्स डेल्टा यू कैसे मेजर करी जाती है फॉर ए केमिकल रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन द बॉम कैलोरीमीटर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं उसमें ठीक है और हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो बॉम कैलोरीमीटर में हम मेजर कर सकते हैं हियर स्टील वेसल इज इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ ये वेसल लिया है वो क्या है कैलोरीमीटर ठीक है और वो वेसल है किसका है स्टील का बना हुआ है और वाटर बाथ में वो इमर्स करा है द होल डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर ये पूरा डिवाइस है उसको भी कैलोरीमीटर बोला है स्टील वेसल इज इमर्स्ड इन वाटर बाथ टू एंश्योर अब वाटर बाथ देखो वाटर बाथ क्या है ये आउटर वाला पार्ट है इस पे वाटर फिल करा है ये वाटर बाथ है ठीक है बाकी यहाँ पर एक क्लैंप लगाया है ये क्या है मे बी रोटेट करता होगा कंटिन्यूसली स्टरर है और यहाँ पर थर्मोमीटर लगाया है टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए थर्मोमीटर लगाया है स्टील वेसल इज इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ टू इंश्योर दैट नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग वाटर बाथ में ये वाटर हमें फील करा है और उसमें उसकी जो कंडीशन है वो मेंटेन रखनी है ठीक है उसमें जो हीट है वो सराउंडिंग में बाहर नहीं जाएगी नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन अ प्योर डाई ऑक्सीजन सप्लाइड और मान लो कि पहले हमने बोला कि वाटर लिया है पर यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस लिया है ठीक है कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न हो सके कंबस्टन हो सके ऐसा सब्सटेंस यहाँ पे स्टील की वेसल में लिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन वाला मीडिया रखा है ये सेपरेट लेयर है अलग अंदर से ये सेपरेट लेयर है यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ठीक है ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और ऑक्सीजन यहाँ से ये मटेरियल है उसको कंबस्टिबल उसको हीट देने में उसका कंबस्टन करने में कामयाब रहेगा क्योंकि ये एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन है मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर रखा है ठीक है तो वाटर बाथ
वॉटर बाथ है वो अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर भी नहीं जाने देता और टेम्परेचर भी मेंटेन, ये सारी कंडीशन है कोई स्पेसिफिक रखी होगी, कंडीशन स्पेशली आपको नहीं दी है कि वॉटर बाथ है उसका टेम्परेचर कितना रखा है, या तो एटमोसफेयर या तो ऑक्सीजन है वो कितना फील करा है या तो प्रेशर कितना देना है, ठीक है, ये कंडीशन आपको दी नहीं है, पर आपको जितना डेटा दिया है वो देखते हैं कि क्या क्या बताया है और कैसे हम कोई सब्सटेंस है जो कम्बस्टिबल जिसका कम्बस्टन हो सके उसको किस तरह से कम्बस्टन करा जाता है, ठीक है। इन दी स्टील बॉम्ब, स्टील बॉम्ब में पर लास्ट में क्या बोला था, ओके, ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन अ प्योर डाई ऑक्सीजन सप्लाइड इन दी स्टील बॉम्ब, कम्बस्टिबल सब्सटेंस है उसको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, डाई ऑक्सीजन बोला है, हीट इवॉल्व During the reaction is transferred to the water around the bomb and its temperature is monitored. Heat का evolution होगा reaction के दौरान वो water में transfer होगा, transfer to the water around the bomb and its temperature is monitored. और उसका temperature है वो monitor करेंगे बाहर से, जब temperature बढ़ जाता है तो इसका मतलब है अगर temperature बढ़ जाता है और हमें जितना temperature रखता है, मान लो कि मान टेम्परेचर हमें 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ठीक है, और अगर अंदर ऐसी रिएक्शन हुई जिसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी या तो लॉट्स ऑफ हीट का इवोल्यूशन हुआ तो वो वाटर वाला लेयर है उसको मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा वाटर बाथ का, अगर वो कम करना है तो बाहर से आइस डालकर या तो ठंडा पानी डालकर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। सिंस द बॉन्ड कैलोरीमीटर इज सेल्ड its volume does not change, bomb calorimeter है वो sealed condition में है उसका volume है वो change नहीं होगा, that's the energy change associated with the reaction are measured at a constant volume, volume constant रहता है अंदर आपने जितना volume लिया है, means जो भी combustible substance लिया है, ठीक है, उसका volume same रहता है, just change किस में आएगा, energy change होगा वो measure कर पाएंगे, under this condition no work is done as the reaction is carried out at constant volume in the bomb calorimeter. ये वाली condition है जिसमें volume constant रहता है और energy का change मिलता है, ठीक है, energy का change मिलता है, इसका मतलब है work है, कोई work इसमें होता नहीं है, just energy का change हमें मिलता है और volume है वो constant रहता है, even for reactions involving the gases. कोई गैस मटेरियल ले लो, देयर इज अ नो वर्क डन, उसमें वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, इसका मतलब है वर्क नहीं होता। टेम्परेचर चेंज ऑफ द कैलोरीमीटर प्रोड्यूस बाय द कंप्लीटेड रिएक्शन इज देन कन्वर्टेड टू क्यूवी, टेम्परेचर चेंज होता है कैलोरीमीटर का, टेम्परेचर चेंज होगा वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय द कंप्लीटेड रिएक्शंस इन द इन देन इज देन कन्वर्टेड टू क्यूवी, उसका कन्वर्जन क्यूवी में होगा, टेम्परेचर चेंज होगा वो हम हीट के फॉर्म में लेते हैं उसको, कि मान लो पहले टेम्परेचर कोई और होगा और बाद में कोई टेम्परेचर और होगा, उसका मतलब है हीट का डिफरेंस कोई होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, बाय यूजिंग द नॉन हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन 6.11, इक्वेशन 6.11 आपको दिया है और 6.11 वाला इक्वेशन आगे है हमारे पास, Q is equal to C into M into delta T is equal to C delta T, heat capacity ही है, ठीक है, C इसमें क्या हमने देखा था कि heat of the substance C है और M है वो mass है और delta T है वो क्या है, temperature में जो difference मिला होगा वो है, ठीक है। अब ये इतनी information आपको bomb calorimeter के बारे में बताई है, ठीक है, उसके बाद ये डेल्टा यू और डेल्टा ए के बारे में कहा है कि डेल्टा यू है और डेल्टा एच है, डेल्टा एच के बारे में देखते हैं कि डेल्टा एच में क्या करा है, डेल्टा एच में कौन सी फॉर्मूला है, मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी डन इन अ कैलोरीमीटर शोन इन फिगर 6.8 वाली फिगर है उसमें मेजरमेंट कैसे करा है वो बताया है, ठीक है। We know that delta H is QP. हमारे पास ये फॉर्मूला है, डेल्टा H इज इक्वल टू
QP at constant pressure and therefore heat absorb or evolved. इसका मतलब है हीट है वो एब्जॉर्ब होगी या तो इवॉल्व होगी. QP at constant pressure is called the heat of reactions or enthalpy of reaction. अगर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है या तो इवोल्यूशन होता है. तो ये जो रिएक्शंस हुई ठीक है ये हीट ऑफ रिएक्शंस है या तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एंथैल्पी है. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसको हम डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है रिएक्शन है इसके लिए स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा है. इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा हीट का इवोल्यूशन होगा. ये 10th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आए हैं. एंड सिस्टम लॉसेस हीट टू दी सराउंडिंग. सिस्टम में हीट का लॉस होगा और सराउंडिंग में ट्रांसफर करेंगे. देयरफॉर क्यूपी विल बी नेगेटिव. तो क्यूपी वैल्यू जो मिलेगी आपको नेगेटिव फॉर्म में उसका आंसर मिलेगा. एंड डेल्टा आर एच विल ऑल्सो बी नेगेटिव. क्यूपी की वैल्यू नेगेटिव मिलती है इसका मतलब डेल्टा आर एच की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी. सिमिलरली इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड. हीट का एब्जॉर्प्शन होता है. क्यूपी पॉजिटिव मिलती है इसका मतलब है डेल्टा आर एच भी पॉजिटिव मिलेगी. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी में है. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है क्यूपी. ठीक है अगर डेल्टा एच हमें नेगेटिव मिलता है क्यूपी हमें नेगेटिव मिलती है. हीट है वो नेगेटिव फॉर्म में मिलती है. क्यों नेगेटिव मिलेगी? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ये हीट हमें नेगेटिव मिलती है इसका मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी. और मान लो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्यूपी हमें पॉजिटिव मिलेगी इसका मतलब है डेल्टा एच भी हमें पॉजिटिव मिलेगा. ओके दोनों वैल्यू हमें पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगी. और अरेंजमेंट आपको बताइए कि डेल्टा एच का मेजरमेंट कैसे करा गया था पहले. ठीक है इनर साइड में एक थर्मोमीटर रखा है और आउटर साइड में एक ये पॉलीस्टाइरीन कप. पॉलीस्टाइरीन मटेरियल किससे बना होता है भाई? पॉलीस्टाइरीन असल में है क्या? प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है. ठीक है पॉलीस्टाइरीन मटेरियल वो प्लास्टिक टाइप का होता है. रिएक्शन मिक्सचर अंदर रिएक्शन मिक्सचर फिल करा है. ठीक है और ये बीच में से थोड़ा पार्ट ब्रेक करके आपको बताया है कि बस जस्ट ये लेयर है उसके बाद डायरेक्ट अंदर ये हमारा जो भी सिस्टम है वो हमने फिल करी है. हीट चेंज अगर हमें मेजर करनी है तो इसके लिए इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करा जाता है. और इसमें आप सम ये देख सकते हो कि सम में आई थिंक फॉर्मूला हमारी है वो भी इंक्लूड हो जाएगी. सी इंटू डेल्टा टी या तो सी वी डेल्टा टी सी पी डेल्टा टी इसमें दिया है. 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. 1 ग्राम ग्रेफाइट लेना है उसको बर्न करना है किस में? बॉम्ब कैलोरीमीटर में. इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर उसका 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है. इक्वेशन आपको दिया है कार्बन ग्रेफाइट है उसमें क्या होता है? कार्बन. ठीक है इसलिए सिंपली कार्बन फॉर्म में लिखा है और साइड में ग्रेफाइट लग दिया है. प्लस क्या करते हो आप? ऑक्सीजन सप्लाई करते हो. डाई ऑक्सीजन है O2 लिखना है इन ब्रैकेट में. गैस ये तो आपको रकम में ही दे दिया है इसलिए ज्यादा देखने की जरूरत नहीं. क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो जस्ट देखते हैं कि टेम्परेचर है उसका चेंजेस 298 से लेकर 299 केल्विन का है. इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल पर केल्विन. अगर हीट कैपेसिटी आपको मिलती है 20.7 किलो जूल पर केल्विन what is the enthalpy change for the above reactions at 298 kelvin and 1 atmosphere pressure. to isme enthalpy ka change aapko kitna milega aur wo bhi specific condition di hai ki 1 atmosphere pressure hona chahiye aur uska temperature hai wo 298 kelvin hona chahiye to wo to pehle se hi de diya hai. theek hai 298 kelvin 1 atmosphere pressure
ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है सीवी क्यू इज इक्वल टू सीवी इंटू डेल्टा वी डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी साफ साफ यहाँ पर आपको बताया है कि 298 केल्विन से लेकर 299 केल्विन तक ये टेम्परेचर में चेंजेस आता है। सपोज क्यू इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड सीवी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला क्या मिलेगी, क्यू इज इक्वल टू सीवी इंटू डेल्टा टी। अब दूसरा आपको बताया है कि क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन बिकॉज द हीट इज लॉस्ट। यहाँ पर आपको हीट है बर्न, ये ग्रेफाइट है उसको आप बर्न कर रहे हो ठीक है, और इसमें कोई टर्म ऐसा आपको रिप्रेजेंट करा होगा जिसमें हीट है वो लॉस्ट होती होगी, अगर नहीं होती है ठीक है, ग्रेफाइट को बर्न करते हो तो ग्रेफाइट में से कोई एनर्जी हीट है उसका इवोल्यूशन होता होगा। तो अगर इवोल्यूशन हीट है वो इवॉल्व होती है ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो साइन आपको नेगेटिव रखनी है, अपोजिट साइन बिकॉज द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। सिस्टम है वो हीट लॉस्ट करती है और आपको माइनस साइन यहाँ से यहाँ पर रखनी है। सीवी आपको दे दिया है क्या है, हीट कैपेसिटी आपको दे दी है 20.7 किलो जूल पर केल्विन, और डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास है 299 तक चेंजेस होता है और स्टार्टिंग का टेम्परेचर 298 था, तो आपको ये क्यू मिल गई ठीक है। हीट में जो चेंजेस आया है वो मिल गया। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, ये अभी डिस्कशन करा कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थस फॉर डेल्टा यू फॉर द कम्बस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, डेल्टा यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डेल्टा यू की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था भाई, सीवी इंटू डी टी था। इसका मतलब है कि ये वैल्यू डेल्टा यू की भी आप लिख सकते हो ठीक है, क्यू तो आपको मिल गया पर ये डेल्टा यू के लिए भी लिख सकते हो ठीक है, डेल्टा यू आपको मिला -20.7 किलो जूल पर केल्विन। अब आपको पूछा है कि भाई 1 ग्राम ग्रेफाइट है उसको बर्न करना है कैलोरीमीटर में, 1 ग्राम ग्रेफाइट है उसको बर्न करना है, तो टोटल कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12 ग्राम है ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 1 ग्राम का कैलकुलेशन करना है, तो उसका मोलार मास से उसे मल्टीप्लाई करना होगा, उसका मोलार मास है उसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो ये एनर्जी मिली है ठीक है, डेल्टा यू मिली है उसको मल्टीप्लाई करने करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा 1 ग्राम ठीक है, इतना करो। यस मैम वो ऐसे नहीं है, यूनिटरी मेथड है, 1 ग्राम के लिए इतना तो 12 ग्राम के लिए कितना, हाँ तो वही हुआ ना, 1 ग्राम के लिए 20.7 किलो जूल है तो 12 ग्राम के लिए कितना, तो 12 इंटू डायरेक्ट -20.7 डिवाइडेड बाय 1 ग्राम हो गया, आपको आंसर क्या मिलेगा -2.48 इंटू 10^2 ठीक है, और इसमें डेल्टा एन जी आपको 0 मिला है, डेल्टा एन जी 0 है और ये बता सकता है कि इसमें डेल्टा एन जी क्यों 0 है, वो ये बता सकता है कि डेल्टा एन की वैल्यू क्यों 0 रखी है इसमें, वो रिएक्शन में से ओके, रिएक्शन में से आपको पता चल गया कि भाई रिएक्शन में से ये O2 है वो भी 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी 1 मोल है, इसका मतलब है डेल्टा एन आपको क्या मिला 0, इसलिए 0 लिखा है ठीक है, इसका मतलब है आपको ये डेल्टा एच मिल गया ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो फाइनली आपको ये आंसर मिल गया -2.48 इंटू 10^2
टू किलो जूल पर मोल। अब हमें इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, ठीक है, इस टाइप के सम है, इस टाइप के सम एक्स्ट्रा करवाएंगे, और साथ में आगे वाला जो टॉपिक्स है वो थोड़ा थोड़ा भी, उसका रिवीजन फास्ट होगा, ठीक है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा वो भी बता देंगे, और उसके रिलेटेड जो सम लिया है, जैसे मैंने ये पीडीएफ बताई है, थोड़ा शेयर करके आपको बताती हूँ कि वो पीडीएफ में क्या क्या है, ठीक है, जो आपको करना है कल मैं टॉपिक बताती हूँ और कल हम वो डिस्कस करेंगे। आपको ये पीडीएफ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, पहले से देखो थर्मोडायनेमिक वाला है, इसमें से आई थिंक हमारी टेक्स्ट बुक में इसकी एप्लीकेशन नहीं दी होगी या तो लिमिटेशन नहीं दी होगी, जो कोई टॉपिक्स अगर नहीं आया है तो यहाँ से आपको थोड़ा करना है, ठीक है, ये आपके लिए है, आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो इसके लिए है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का जितना हमने करा है, सिस्टम से स्टार्ट करा था, उसके आगे वाला आई थिंक नहीं आया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी इतना नहीं आया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया है पर उसकी एप्लीकेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, तो ये देख लेना, देखना कल देखेंगे फिर से, ये सिस्टम दी है कितनी टाइप की सिस्टम है, सबको बता रही हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि दो तीन स्टूडेंट ने नहीं भी देखा होगा, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी की एक्सचेंज होती है, मैटर की एक्सचेंज नहीं होती है, क्लोज सिस्टम क्या है, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मेरा वाला, मम्मी आपने कोई बुक से लिया है? नहीं बेटा, बुक से कोई बुक से नहीं लिया है, ठीक है, कोई बुक से नहीं लिया है, सर्च करा है, मिला है तो दे दिया है आपको, ओके, और टाइप्स ऑफ प्रोसेस, थैंक यू मैडम, ओके, ये आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, सब क्या है, ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है भाई, ये काम आपका है, ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, नहीं समझ में आता है वो भी करवाएंगे, पर पहले आपको रीड करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद आपको ये इसके रिलेटेड टॉपिक दिए है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में बताया है, इंटरनल एनर्जी क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है, और इसके रिलेटेड फॉर्मूला कितनी है, वो सारा आपको पता है, यूनिट क्या है, उसके बाद एमसीक्यू दिया है, तो इतना आपके लिए इनफ है, जो भी प्रिपरेशन करता है भाई करा, अपनी तरह से प्रिपरेशन करो, पर पहले ये कर लेना एक बार, और ये हम करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हीट कैपेसिटी वाला जो टॉपिक है वो जो हमने लिया है वो, और थर्मोडायनेमिक्स वाला फर्स्ट मैंने बताया, थर्मोडायनेमिक्स वाला, ठीक है, इतना हम करेंगे, उसके बाद रुको डेल्टा, एक मिनट बेटा, उसके बाद डेल्टा एच वाला जो टॉपिक आया है, डेल्टा एच में एंथैल्पी क्या है, फ्यूजन एंथैल्पी क्या है, ये सारा आपको बताया है, ठीक है, तो टॉप हमारी बुक में इतना सारा थोड़ा नहीं दिया है, दो तीन डेफिनेशन में भी नहीं भी दी है, तो इसमें कवर हो जाती है, डेफिनेशन के थ्रू आपको ये फॉर्मूला मिलती है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये सोल्व करना होता है, ठीक है, तो इसके बाद देखो कितने एमसीक्यू है, और ये सीपीसीवी वाला कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये आज हमने करवाया है, इसके रिलेटेड टॉपिक है, तो ये कल ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा आज करवाया है, तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, ये हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, ये सारा हमने देख लिया है, ठीक है, और उसके रिलेटेड आपको दिया है, अगर सीपी फाइव है तो सीवी तीन है, तो आपको वॉल्यूम क्या मिलेगा, वी क्या मिलेगा, ठीक है, डाई एटोमिक गैस के लिए सीपी सेवन है, सीवी फाइव है, तो आपको वी क्या मिलेगा, ये सारी फॉर्मूला है, एकदम ईजी है, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन भी पूछे है वो भी आपको ईजी लगेगा, ठीक है, तो इतना करेंगे तो इतना तो इनफ है, और बाकी कोई आपको क्वेश्चन है, बाकी देवेन ने जो बताया कि भाई मैडम स्पेशली नाइट्रोजन के लिए सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या है, तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो ये भी देख लेना कि ये टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम ये वाला जो टॉपिक है इसमें आएगा कि कोई स्पेसिफिक गैस है उसके लिए क्या वैल्यू होगी, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो वो दो तीन गैस के लिए देख लेंगे,